शांति। आज मेरे बाप दादा के 15 तारीख के महावाक्यों को अनुभव करते हुए स्वयं में धारण करेंगे। अनुभव करें स्वयं को मीठे बाप दादा के सम्मुख। प्यारे बाप दादा के सम्मुख मैं आत्मा, मस्तक मणि, बाबा के सम्मुख इमर्ज हूँ। बाबा की वाणी, बाबा की शक्ति को स्वयं में धारण कर रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, नाजुक बना, देह अभिमान है, रोसना रोना ये सब बाबा कहते हैं आसुरी संस्कार। तुम ब्राह्मण बच्चों में नहीं होने चाहिए। बाबा कहते दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। अपने को स्थित करेंगे, मैं मस्तक मणि, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने वाली शक्तिशाली योगी तू आत्मा हूँ। दुख सुख मान अपमान सबके प्रभाव से परे न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित रहने वाली मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बन, आपस में एक दो के गुण देखो, तब सर्विस में तीव्रता आएगी। बाबा कहते हैं, आपस में मिलकर शिरखंड होकर चलो, एक दो का रिगार्ड रखो, मुख से मीठे बोल बोलो। बाप कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर, तुम बाबा के फरमानदार बच्चे हो। अनुभव करेंगे स्वयं को, मैं बाबा का फरमानदार बच्चा, मैं रूहानी मिलिट्री का बाबा का महारथी फरमानदार बच्चा, मैं बाबा का दैवी गुणों की धारणा करने वाला होली हंस बच्चा। बाबा कहता, रूहानी बेहद का बाप, बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चों को पहले पहले बेहद के बाबा से शिक्षा मिलती है, अपने को आत्मा निश्चय करो, देही अभिमानी बनो,
कहते ये है ज्ञान काल, ज्ञान ज्ञान सागर बाप देते, जो सर्व का सदगति दाता है वो है निराकार। उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे, जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा भी निराकार हो, परंतु देह के अभिमान में आने से स्वयं को भूल गए हो। अब बाप कहते, तुमको वापस जाना है। बाबा कहता, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हों। बाबा कहते, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी ना। बाप समझाते हैं बच्चे, मैं संगम पर जो तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, पतित से पावन होने का, वो सिर्फ बेहद का बाप त्रिमूर्ति निराकार शिव ही देते हैं। फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही परम धाम से आकर इस दुनिया में सुनाना पड़ता है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे द्वारा बेहद के बाबा के द्वारा पतित से पावन बन सकते हो। बाबा कहता है, पावन दुनिया ज़रूर बननी है। बेहद का बाबा तुमको आकर राजयोग सिखाते। बाबा कहते हैं, दैवी गुणों को भी धारण करना है। बाबा कहता है, मुख से सदैव फूल निकले। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमको अब सुधरना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। बाबा कहता है, तुम अब सर्विस के लिए बंधे हुए हो। बेहद का बाबा रूहों का कमांडर, जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोलें झट हाजिर। तुम बाप के मददगार बच्चे हो ना, तुमको सबको पैगाम देना है। बाबा कहते हैं, खर्चे का ख्याल थोड़े करना है, बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद का बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्म राज है। श्रीमत कहती है ना, अपनी आँखों को सिविल बनाओ। बाप का हुक्म है। बाबा कहते हैं, बाप का हुक्म मानेंगे तो 21 जन्मों की राजाई पाओगे। बाप कहते कि बाबा को, बेहद के बाप को बच्चों के बगैर
तो कोई जान नहीं सकते ना। ये हैं बिल्कुल नई नई बातें। बाबा कहता है ये है गीता का युग। बेहद का बाबा तुमको संगम पर राजयोग सिखाते। बाबा कहते अभी तुमको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। बाबा है सर्व का सदगति दाता। बाबा कहता है बेहद का बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में लक्ष्मी नारायण यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। सभी कहते हैं ना राम राज्य चाहिए। बाबा कहते हैं सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते, राजयोग भी सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वह ऐसे नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चों। बाबा कहते ये लिखना चाहिए, समझाना चाहिए रूहानी नॉलेजफुल बाप, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में मनुष्य है देह अभिमानी, बेहद का बाबा तुमको बनाते हैं देही अभिमानी। मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बेहद के बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो ना। बाबा कहते तुमको अभी ज्ञान मिलता है तो ये दुनिया ही बदल जाती है। बाप कहते बच्चे तुमको माया ने एकदम कंगाल बना दिया, फिर अब बेहद का बाप तुमको सत्वगुणी साहूकार बनाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत सुखी थे, धनवान एकदम विश्व के मालिक थे। बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है, जिनको बाबा ने स्वर्ग बनाया अभी वह नरक बन गया। बाबा कहता है तुम बच्चे बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। तुम जानते हो तुम बच्चे कोटों में कोई बाप से राजाई पद पाने वाले हो। बाप कहते बाबा आया है तुमको नर से नारायण बनाने। बाबा कहता है मुख्य आठ रत्न है ना, पास विद ऑनर, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार।
बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। बाबा कहता है, बाबा अब तुमको सब बात समझाते हैं ना, तो प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो, पहले अल्फ और बे। बाप तो एक ही निराकार है ना, बाप रचयिता बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते। बाबा कहता, मीठे बच्चे अब मुझ एक को याद करो, माँ में कम याद करो, देह के संबंध बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। बाबा कहते, बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की, पहले पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाबा कहते, बाबा का परिचय देने बगैर तुम टिक टिक करते हो तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। बाबा कहते, बिल्कुल सिंपल सरल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। बाबा कहते, देही अभिमानी बन समझाएंगे तो बहुत अच्छा समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं, अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े, अपना समय देना पड़े। सेवा अर्थ बाप जहाँ भेजें तो बाबा कहते, फरमानदार बन सेवा में जाना है। बाप ने हुक्म किया ना, झट भागना चाहिए। बाबा कहते, महारथी ब्राह्मण उनको ही कहा जाता है, बाकी सब क्या है, घोड़सवार प्यादे। बाबा कहते, सबको सर्विस में मदद देनी है। बाबा कहते हैं, तुम मैसेंजर हो ना, तुमको आप समान मैसेंजर बनाना है, मुरली भी जरूर पढ़नी है, मुरली पढ़नी जरूर है। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घराब डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का पतित से पावन बनने का, दुखों से छूटने का तुम बच्चे रास्ता बताते श्रीमत पर। बाबा कहते हैं, बच्चे अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, आँखों को सिविलाइज्ड बनाना है। बेहद का बाप जो हुक्म करे फौरन मानना है, विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। अच्छा, बाबा के सम्मुख
अपने को देखेंगे, बाबा से याद प्यार लेंगे, वरदान लेंगे, बाबा को सुबह की गुड मॉर्निंग विश करेंगे। मैं मीठे बाप दादा के समीप हूँ, सम्मुख हूँ। मेरे बाबा मुझको प्रेम भरी, रूहानियत भरी, शक्ति भरी, देही अभिमानी बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि देते हुए कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा, हम रूहानी बच्चों की अपने रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी बाबा के सम्मुख बैठे रहेंगे, बाबा के वरदान को अपने अंदर धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते, बच्चे अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागृति ज्योत भव। मैं कौन? मैं आत्मा सदा जागृति ज्योति। अपने इस ईश्वरीय जीवन के महत्व को, अपने ईश्वरीय कर्तव्य को जानने वाली मैं आत्मा सदा जागती ज्योति। बाबा कहता, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। समान में स्थित होंगे, मैं आत्मा मस्तक मणि सदा जागती ज्योति, सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाली बाबा की मददगार राइट हैंड। बच्चा, बाबा कहता, बच्चे बीती हुई बातों को बीती करो, अपने महत्व को, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनो। मैं आत्मा बाबा की श्रीमत अनुसार शक्तिशाली संकल्पों में रहने वाली बीती हुई बातों को बिंदु कर ईश्वरीय कर्तव्य में बीसी रहने वाली, सेकंड में सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली सदा जागती ज्योति। बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहने वाली कर्म योगी फरिश्ता रूप में कर्म व्यवहार करने वाली, कर्म करते ही निराकार रूप में परम धाम में कर्मातीत स्थिति में बाबा के सम्मुख स्थित हो जाने वाली, इसी जल का अभ्यास पूरा दिन करने वाली, कर्म करते मैं कर्म योगी फरिश्ता, कर्म करने के बाद मैं बाबा के सम्मुख बिंदु रूप में कर्मातीत स्थिति में। बाबा ने हमको शक्ति से भर दिया है, संपन्न कर दिया है, समेटने की शक्ति से भरपूर मैं आत्मा सेकंड में सर्व संकल्पों को समा एक संकल्प, एक बाबा मेरा संसार, बाबा के सम्मुख स्थित हो जाने वाले सदा जागती ज्योति, एक परमात्म लव में लीन रहने वाली, सर्व आकर्षणों से मुक्त
सदा जागती, ज्योति स्मृति स्वरूप में स्थित, मैं बाबा की सूर्यवंशी विजय रतन आत्मा, मायाजीत आत्मा, व्यर्थ से मुक्त मैं परमात्म लव में लीन स्थिति के अनुभव में रहने वाली बाबा की सदा जागती ज्योति, रूहानी कमांडर की फरमानदार आत्मा, दैवी गुणों की ताड़ना करने वाली मैं आत्मा, बाबा की महारथी ब्राह्मण आत्मा, सदा जो बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है उन्हीं स्मृतियों के नशे में रहने वाली, ईश्वरीय नशे में रहने वाली जागती ज्योत आत्मा, अपने सारे दिन में इस अभ्यास को अटेंशन द्वारा करते हुए इसी अलौकिक अनुभूति में रहेंगे। ओम शांति।